बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डार्ज़न ग्लेज़डिक एस्टर रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि कौन से रिएक्टेंट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो है वो एक एपॉक्साइड जो है रिंग फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को हम कंडेंस करें विद अल्फा हेलो एस्टर को प्रोड्यूस हमें करेगा अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, जिसको हम ग्लेज़डिक एस्टर का नाम देंगे। और इसको जो जिस बंदे ने इसको किया है, जो साइंटिस्ट ने इसको किया है, उसका नाम डार्ज़न था। उसी नाम से डार्ज़न ग्लेज़डिक एस्टर का नाम इस रिएक्शन का रखा गया है। अब इस रिएक्शन को हम करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन की हम कंडेंसेशन करेंगे इन द किसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द एनी बेस या required base with alpha halo ester to produce say alpha beta epoxy ester। अब हमारे सामने ये मौजूद है, this is a aldehyde या ketone, ये कोई भी aldehyde ketone हो सकता है। उसका second जो starting material होगा वो होगा हमारे पास ये alpha halo ester है, ये alpha halo ester है, this is a carbonyl of ester, ये carbonyl ester का इस carbon जो है ये alpha carbon है, इस carbon के ऊपर हेलोजन का होना जरूर है, हेलोजन बाद हेलोजन है, क्लोरो आ जाए, ब्रोमो आ जाए, कोई भी यहाँ पे उसका आ सकता है हेलोजन इसके अंदर, इसी वजह से इसको हम हेलो बोलते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ हम सोडियम एपॉक्साइड जो है जो एज ए बेस हमने यहाँ यूज की है। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट मैकेनिज्म का क्या है, कहते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म अल्डोल रिएक्शन है और इनोलेट फॉर्मेशन हम करेंगे, इनोलेट एज ए कार्बोनाइन काम करेगा। और वो इनोलेट हम देखते हैं कि वो इनोलेट किसका हम बना रहे हैं, वो इनोलेट अल्फा हेलो एस्टर का इनोलेट था बना रहे हैं, वही रेट डिटरमिंग सब के तौर पर भी ये काम करेगा। हम देखते हैं सोडियम एपॉक्साइड जो बेस है वो अल्फा हेलो एस्टर के इस कार्बन जो मोर एसिडिक कार्बन है और इसके ऊपर लगने वाला हाइड्रोजन जो है या लगने वाला प्रोटॉन है मोर एसिडिक प्रोटॉन है, then ये base can easily abstract the this proton from this carbon because this carbon is more acidic due to the than of the halogen as with as carbonyl carbon। ये carbonyl carbon और halogens की electronegative की वजह से this carbon is more acidic carbon और इसके ऊपर लगने वाला hydrogen या proton भी more acidic है, then base can easily abstract और यहाँ पर negative charge बनाएगा, वो negative charge resonate कर सकता है और ये आपका एक एनाइन बन गया है या इनोलेट बन गया है। अब इनोलेट ये जो अल्फा हेलो एस्टर से बना है हम इसको अटैक करवाएंगे किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड के साथ, ये थ्री ये आर टू है, आर थ्री से मुराद कोई भी वेरियस फंक्शनल मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं यहाँ पे। अब हमने देखा है कि ये जो इनोलेट बना है ये कार्बो एनाइन बना है, ये इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा बिकॉज दिस कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और इस स्टेप को हम एल्डोल रिएक्शन भी बोलेंगे। और इस स्टेप के अंदर होता क्या है कि अल्फा हेलो एस्टर का कार्बो एनायन जनरेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सेकेंड इसका स्टेप है एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन। अब ये जो एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन है ये देखते हैं कि अल्फा हाइड्रन अंडर SN1, ये जो अल्फा हाइड्रन आपका बना है ये अंडरगो होगा SN1 मैकेनिज्म टू फॉर्म एपॉक्साइड रिंग। अब आपने अगर हम देखें इसकी बैक साइड का फर्स्ट स्टेप देखते हैं तो ये हमारे पास इसके साथ ऊपर अटैक कर गया है और ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। अब ये नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन का होगा ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर हेलोजन आपका लगा हुआ है। अब ये देखना है आपने इस हेलोजन को, आप ये देखिएगा इस हेलोजन को हम मूव करेंगे और SN1 टाइप होगा, जब SN1 टाइप होगा तो देन टू स्टीरियो केमिकल आउटकम होगा इसके अंदर। स्टीरियो केमिकल्स क्या होगा, या स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, दो स्टीरियो आइसोमर्स इसके अंदर बनेंगे और एक के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं कि ऐसी है और दूसरे के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो स्टीरियो आइसोमर्स क्यों बने, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो
इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, इन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, बल्कि वो दोनों ही कर रहा होता है, यानी कि वो रेसिमाइजेशन की तरफ जाता है, दो स्टीरियो आइसोमर्स बनाने की कोशिश करता है, वो बनाता भी है, यानी कि एक आइसोमर्स के अंदर रिटेंशन हो रही होती है और दूसरे के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है। अब ये देखें कि इसने इस साइड से अटैक किया, ये इस साइड से अटैक करेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन आई, दूसरी साइड से अटैक करेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। ये SN1 टाइप, SN1 टाइप से क्या मुराद है कि ये सबसे पहले यहाँ से लीव करेगा हैलोजन और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, देन ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो प्लेनर फॉर्म के ऊपर होगा, बैक साइड से अटैक होगा, फ्रंट साइड से अटैक होगा, दो स्टीरियो आइसोमर यहाँ प्रोड्यूस होंगे, एक रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रख रहा होगा और एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रख रहा होगा, और ये बना क्या देगा, एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन, एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन। ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल हमारे सामने है, एक LHMDS एक बेस हमने यूज की हुई है, इसके अंदर बेस मुख्तलिफ बेस हम यूज कर सकते हैं, इसके अंदर LDA बेस मुख्तलिफ बेस जो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ये TH सॉल्वेंट है, -78 बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो किया हुआ है यहाँ, ठीक है जी, फर्स्ट में जब इसका इनोलेट जनरेट करना है, -78 पे इनोलेट जनरेट किया इस बेस ने, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया यहाँ से और ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके इनोलेट बनाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर हम इसके अंदर ऐड क्या करेंगे, ये एल्डिहाइड हमारे पास मौजूद है और यूज करेंगे, उसका टेम्परेचर -78 से इंक्रीज करके -20 तक ले आएंगे, ठीक है, ये 73% ये से मुराद है कि ये जो आइसोमर बनेगा 73% यील्ड होगी, आपके सामने है ये वाला पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म कर चुके हैं, तो हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर प्रोड्यूस होंगे, एक रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन देता है इन सेकेंड स्टेप जब एपॉक्साइड रिंग फॉर्मेशन हो रही होती है। फर्स्ट स्टेप में दोबारा बता देता हूँ कि ये बेस जो होगी ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगी, इसका इनोलेट बनाएगी, किसका इनोलेट बनाएगी, अल्फा हेलो एस्टर का इनोलेट बनेगा, आपने इसका बनाना है, दूसरे का इनोलेट नहीं बनाना, यानी कि कीटोन एल्डिहाइड का आपने जो है वो इनोलेट या कार्बो एनाइन नहीं बनाना, आपने कार्बो एनाइन जो बनाना है अल्फा हेलो एस्टर का बनाना है, और वो अटैक करेगा जो आपके अंदर जो आप उस रिएक्शन के अंदर कीटोन या एल्डिहाइड को यूज करेंगे। आगे कुछ एग्जांपल्स है या सामने है, एग्जांपल 2 है, ये एग्जांपल 3 है, ठीक है जी, ये एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है पोटेशियम ट्रिशीट ऑक्साइड, हमने यहाँ पे बेस को यूज किया है जो इस जगह से इनोलेट क्रिएट करता है और वो इनोलेट इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करके एपॉक्साइड रिंग बनाता है। ये देख लीजिएगा यहाँ से इनोलेट जनरेट होगा, ये इनोलेट कैन इजीली अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन, ये साइक्लोहेक्सानोन है, इसके ऊपर ये अटैक करेगा कीटोन के ऊपर और आपको ये एपॉक्साइड टाइप मॉलिक्यूल बना देगा। जर्मन लिख दिया है, दोनों तरफ से हो सकता है कि स्टीरियो आइसोमर इसके बन जाएंगे, ठीक है। देन ये वाला भी एक हमारे पास अल्फा हेलो एस्टर है, ठीक है, ये भी अल्फा एस्टर है, इसको LDA बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, THF इज द सॉल्वेंट है, -78 के ऊपर हमने ट्रीट करवाया है और यहाँ से इसका इनोलेट बना है और वो इनोलेट ये बेंज एल्डिहाइड दिया गया है नीचे, ये जो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ बेंज एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप और ये इनोलेट इस बेंज एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और आपके सामने ये लिखा हुआ है 66% और 90%, यानी कि इसके अंदर एक आइसोमर 66 है के चांसेस हैं और 90% के भी चांसेस हैं, ठीक है। अब आ गया जी अगर स्टॉप रिएक्शन, स्टॉप रिएक्शन क्या है हम इसको देखते हैं, ये स्टॉप रिएक्शन जो है 1993 के अंदर एक साइंटिस्ट एच स्टॉप इसने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन से रिएक्टेंट हैं, उनके नेम क्या हैं और उनको किससे ट्रीट करवाएंगे और वो क्या प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास ये मौजूद है, हमारे पास ये देख लीजिएगा, दिस इज द कीटोन और एल्डिहाइड, दिस इज द कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है जी, और इसका नाम है डाई एथाइल सक्सानेट, ये डाई एथाइल सक्सानेट एस्टर है, डाई एथाइल एस्टर और ये क्या है आपके पास एक कीटोन है या एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मोनो
एस्टर, मोनो एस्टर ऑफ अल्काइल सक्सेनिक एसिड। अब इसका ऐसा नाम क्यों है, अगर हम देखते हैं इसको सक्सेनिक एसिड बोलेंगे, अल्काइल डाइईन, दिस इज अल्काइल डाइईन बनी है इसके अंदर, और मोनो एस्टर को बोलेंगे, यहाँ पे डाई एस्टर था, डाई एस्टर कन्वर्ट हो गया है मोनो एस्टर। ये हुआ कैसे है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को विद डाइएथाइल सक्सेनेट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म द मोनो एस्टर ऑफ अल्काइल डाइईन सक्सेनिक एसिड। अल्काइल डाइईन कौन सा है आपका, दिस इज अल्काइल डाइईन है, मोनो एस्टर कौन सा है, दिस इज मोनो एस्टर, और सक्सेनिक एसिड क्या है, ये सक्सेनिक एसिड है। ठीक है, और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर बेस ऐड करते हैं, हीट करते हैं, एंड के ऊपर इसका वर्कअप जब करते हैं तो एसिडिक वर्कअप करते हैं, इसके अंदर हमें एच प्रोटॉन की जरूरत होती है, जो हम एसिड से जो है ना वो हम लेते हैं, एसिड से हम इसको लेते हैं, यानी कि इसका जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीशन रिएक्शन हम या कंप्लीशन रिएक्शन को वर्कअप बोलेंगे, जो प्रैक्टिकल ही लैंग्वेज है उसमें, उस वर्कअप के अंदर हम HCl और वाटर को यूज करेंगे, जो इसके इस सार को, ये वाला जो सार बना हुआ है इसको वो कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये सारी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, नीचे वाला अगर देख लें, फॉर्मेशन ऑफ द अल्काइल डाइईन सक्सेनिक एसिड एंड देयर मोनो एस्टर बाय द बेस मेडिएटेड कंडेंसेशंस ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड विद डाई अल्काइल सक्सेनेट इन द ब्लड इज नोन एज द स्टॉप कंडेंसेशंस। वो कहता है अल्काइल डाइईन सक्सेनिक एसिड एंड ये मोनो एस्टर, उसके मोनो एस्टर एक एसिड है, एक तरफ उसके एसिड होगा, एक तरफ एस्टर होगा, और दरमियान में अल्काइल डाइईन आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाय द वो बनेगा कैसे, बाय द बेस मेडिएटेड कंडेंसेशन। ये बेस मेडिएटेड कंडेंसेशन से मतलब है कीटोन और एल्डिहाइड को हम रेड करवाएंगे डाई अल्काइल सक्सेनेट के इनोलेट से, तो ये बना देगा, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टॉप कंडेंसेशन। अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, प्रोटॉन और इसको बना देगा एक इनोलेट फॉर्मेशन, ये इनोलेट बनेगा, ये आपके सामने इनोलेट बना है, ये किसका बना है, सक्सेनिक सक्सेनेट का, डाइल्काइल सक्सेनेट का, ये एस्टर बन गया, ये डाइल्काइल सक्सेनेट का जो एस्टर है ये किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा, कीटोन या एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा और इस अटैकिंग हो जब इनोलेट जो होता है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, तो इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल एडिशन बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोल देते हैं। ये आपके सामने है, इसके ऊपर अटैक किया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब हम देखते हैं अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनाइल दूसरे कार्बोनाइल कार्बन पे एस्टर पे अटैक करेगा और लैक्टोन बना देगा। क्या बना देगा जी, लैक्टोन। लैक्टोन ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग, यानी कि ऑक्सीजन उस 5 मेंबर के अंदर मौजूद हो तो उसको हम लैक्टोन बोल देते हैं। ये लैक्टोनाइजेशन हुई है, आप ये सामने देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अब फिर होगा ये दिस इज ए अनस्टेबल कंपाउंड, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये यहाँ से लिविंग ग्रुप जो है ना वो लीव करेगा आपके सामने, और देन फिर बेस इस जो है इसके ऊपर ये अब इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा, अब ये देख लें, अब अब दोबारा इसके ऊपर बेस जो है वो अटैक करेगी और वो देखेगी कहाँ से ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, एक ये एसिडिक प्रोटॉन है, एक ये ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है, तो वो इस जगह से प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि अगर यहाँ से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करें तो बनने वाला आखिरी मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, और यहाँ से अगर प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करे तो बनने वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। ये प्रोटॉन यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, जैसे ही प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करेगी डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ये देखने रिंग ओपनिंग हो रही है, जैसे रिंग ओपन होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा आर और आर के दरमियान, और इनके दरमियान में डबल बॉन्ड जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये आपका एक किस्म का एसिड है, इसके अंदर जैसे ही हम
क्या करेंगे, क्योंकि हमने बेस यूज की हुई है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका यहाँ पे पोटाशियम या सोडियम आ जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर हम कुछ एस्टर ऐड करेंगे और वो एस्टर पोटाशियम या सोडियम लीक करेगा और एच प्रोटॉन को वहाँ पे ले आएगा ये आपके साथ। अब इसका क्या नाम है, ये अल्काइल हाइड है, ये मोनो एस्टर है, ये सिस्टेनिक एसिड एसिड है और ये अल्काइल, इसके साथ दो ग्रुप अटैच है। ये वाला मालिकूल अब क्या कहलाएगा, पूरा नाम इसका क्या है जी, ये कौन सी कंडेंसेशन है, ये देखें ये स्ट्रोक कंडेंसेशन है और ये 1983 के अंदर स्ट्रोक पे को वर्कर यानी कि उसके काम करने वाले जो लेबोरेटरी में स्टूडेंट थे उन्होंने इसको 1893 के अंदर इन्वेंट किया।